गात भितरे 48 घंटा 80 फुट गात भितरु बाहरी पारुनी 10 वर्षर शिशु तीन दिन हला बोरवेल फसी रही राहुल को उद्धार करिबा पई संघर्ष जारी रखिछंती एनडीआरएफ टीम एसडीआरएफ रोबोटिक टीम भी नाकेदम हेलानी खनन बेले पत्थर प्रतिबंधक साजिछि एजाए 50 फुट रु अधिक गात खोला जाइतिबा बेले आगो को 15 फुट रो टनल खोली राहुल को उद्धार करबा को योजना रखा जाइछि खनन चलीछि राति दिन नियोजित होइछि 4टी प्रोक्लिन वाइब्रेटर सह 4टी जेसीबी तथापि अपहंच राहुल साहू आज को 3 दिन हला 80 फुट गभीर गात भितरे फसी रहिछि 10 वर्षर राहुल खनन बेले पत्थर पड़िबारु रायपुर रु हेवी मेसनरी सह रॉक ब्रेकर अणा जाइछि एपरिकि गुजरात रु एक रोबोटिक टीम भी नियोजित अछि आउ किछि दूर खनन परे आरंभ हेबो टनल खोलिबा प्रक्रिया 15 फुट रो टनल खनन परे ही शिशु को जेमिति सुरक्षित उद्धार करा जाय परिबो सेति पई अति सावधानतार सह पदक्षेप नियाजिबो बोली कहिछन्ति ऑपरेशन ने शामिल थिबा एनडीआरएफ टीम रो जने अधिकारी तबे आश्वस्तिकर कथा हेउछि अघटनर 2 दिन परे भी राहुल सुरक्षित रहिछि कुहा जाउछि राहुल जने ऑटिज्म शिशु भलरे से कथा कहि पारेनी तेणु केवल जहाँ मुंड हाथ हलाइबा देखा जाउछि कैमेरारे किंतु से कौनसी इशारा करूनी मझिरे मझिरे हालिया होइ घुमै पडुछि राहुल को खाइबा पई कदळी दिया जाइछि तास नियमित व्यवधान रे ओआरएस पानी मध्य पठा जाउछि खाद्य पेय ग्रहण करथिबारु राहुल सुस्थ थिबा आशा करा जाउछि एपरिकि पाइप माध्यम रे राहुल पाखो को अम्लजान पठा जाउछि राहुल रो स्वास्थ्य अवस्था अनुध्यान पई डाक्टर टीम भी उपस्थित थिबा कहिछन्ति एनडीआरएफ अधिकारी आम भितर बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन पिला अच्छा जो मैंने आगे ऑपरेशन करपर्ट अच्छा अक्सीजेन पूरा सप्लाई चलती कंटिन्यू 2टी पाइप अक्सीजेन सप्लाई चलती खाद्य पा भी पहुंचा जा पथर पड़ा तो तले गए पथर पड़े आम खोलिया प्रोब्लेम आ छत्तीसगढ़ जांजगिरी चंपा जिला फिरीड गाँव राहुल साहू को उद्धार पाई छत्तीसगढ़ पुलिस 120 जन जवान को नियोजित कर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय ट्वीट कर ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।